the cabinet met today and it took a decision to approve the listing of shares of public sector GIC companies on the stock exchanges through either issue of fresh equity or offer of sale or a combination thereof. Now, since this is a major decision which covers these five public sector GIC companies, namely the New India Assurance Company, the United India Insurance Company, the Oriental Insurance Company, National Insurance Company, and General Insurance Corporation of India. These are the five companies which are covered. Now, under the listing requirements, one of the conditions is that the government holding has to then come down from 100% at present to 75%. तो मंत्री परिषद ने ये निर्णय लिया कि जो पांचों पब्लिक सेक्टर जीआईसी कंपनीज हैं इनकी पब्लिक लिस्टिंग होगी फ्रेश एक्विटी द्वारा या ऑफर ऑफ सेल या उन दोनों को मिलाकर कॉम्बिनेशन से और सेबी गाइडलाइंस के तहत जो 100% एक्विटी सरकार की है वो 75% पे लाई जाएगी और इसलिए ये प्रयास रहेगा कि एक ट्रेंच में या एक से अधिक और स्वाभाविक है इसमें एक से अधिक होगा ट्रेंचेस में अंडर द सेबी एंड द आईआरडीए रेगुलेशंस इस एक्विटी को 100 से 75 के ऊपर लाया जाएगा। ये वैसे अनाउंसमेंट पॉलिसी के तौर पर पिछले वर्ष बजट में हुई थी और आज मंत्रिपरिषद ने आफ्टर कंसल्टेशंस ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज ये निर्णय लिया कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इसके ऊपर कंसर्न्ड कंपनीज और जो डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है तुरंत कार्रवाई शुरू करेगा। एक दूसरा निर्णय था कि इसका संबंध एमएसएमई सेक्टर से है, इसकी घोषणा शायद इसका 31 दिसंबर के अपने भाषण में माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी कि जो क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट है उसके जो साधन है 2500 करोड़ के उसमें सरकार 5000 करोड़ और डालेगी और उसको 7500 करोड़ पर लेकर जाएगी। इसके पीछे उद्देश्य यह है कि जो क्रेडिट गारंटी स्कीम है प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुसार उसको 1 करोड़ से बढ़ाकर 2 करोड़ तक किया जाएगा और ये माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के संबंध में है जो इनकी फंडिंग सोर्सेज जिससे इनको लाभ होगा। दो और छोटे निर्णय हैं जिनका अपने क्षेत्रों में महत्व है। एक पुरानी बजट की घोषणा है उसके अनुसार भी झारखंड में 200.78 करोड़ की लागत के साथ एक्सपेंडिचर इसका ₹200.78 जो कि 2016-17 मौजूदा वर्ष से लेकर 2019-20 तक खर्च होगा इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट का एक ऑफ कैंपस झारखंड में सैंक्शन किया था। उसके लिए जो सारे फाइनेंशियल प्रावधान है उसको आज अप्रूव किया। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। खुदा के बंदे संभल जा, वक्त है अब भी बदल जा। मत कर एक दूजे पे हमला,
कुछ ही दिनों का है जुमला।